हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो गाइस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे सम तो कर लेते हैं पर ये उनको समझ नहीं आता कि ये डेबिट में क्यों आया, ये क्रेडिट में क्यों आया, बस वो रट लेते हैं। तो इसलिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मतलब का मतलब होता है कि कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो किसी लैब में जाकर तो टेस्ट हुआ नहीं है। देखिए कि रूल्स का मतलब क्या होता है। रूल्स का मतलब ये होता है कि जो सभी पे लागू किया जाए एक तरीके से, ठीक है। तो अब रूल्स से पहले हम बात कर लेते हैं जैसे गैप की। तो गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि इसका मतलब कि जो देखिएगा इसकी इंडिया या इंडिया के बाहर जैसे यूके, यूएस या अदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में एक ही रूल्स फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स, अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि रूल्स किस तरीके से अकाउंटिंग्स में यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज़ निशा ने ए से कोई गुड्स परचेज किया, अब तो इसकी जो अकाउंटिंग टर्म होगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो रूल्स हैं जो ये मैंने फॉलो किया है, ये सिर्फ मैंने नहीं फॉलो किया है बल्कि ये हर टीचर, चाहे वो इंडिया में हो या कोई इंस्टीट्यूट, कुछ कोई भी जो या इंडिया से बाहर है, वो सारे यही रूल को फॉलो करते हैं गाइस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये परचेज यहाँ क्यों आया, कैश क्यों आया, ये आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। जस्ट आपको समझाने के लिए कि रूल्स किस तरीके से होते हैं अकाउंट्स में, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब कि कुछ जैसे होता है ना, हमने एज्यूम कर लिया कि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके से होगा। सपोज जस्ट वैसे जस्ट एग्जांपल कि अगर हमें कोई यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई दिल्ली एक तो जो मेन रूट है वहाँ से हमें जाना है, सपोज सकते हैं, ठीक है, और वो रूट मतलब सही है, कम टाइम लेता है, तो सारे लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो सेम इसी तरीके से है। अब गाइस, जो एजम्पशन का मतलब होता है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो नाम है वो दोनों मतलब अलग होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैकडॉनल्ड है और उसका जो ऑनर है, उन दोनों को लीगल तरीके से अलग माना जाता है। एक और एग्जांपल देकर समझते हैं, जैसे ए एंड बी लिमिटेड है, ठीक है, और ए एंड बी लिमिटेड को स्नेहा ने शुरू किया, यानी कि जो ए एंड बी लिमिटेड है उसको, उस लिमिटेड को स्नेहा ने ओपन अप किया यानी कि खोला। अब जो स्नेहा ने क्या किया कि 2 लाख रुपए ए एंड बी लिमिटेड में लगाए। अब 2 लाख रुपए जो लगाए हैं तो कंपनी के लिए माना जाता है कि ये कंपनी की लाइबिलिटी है, यानी कि ये जो 2 लाख रुपए है वो स्नेहा को लौटाने हैं, और ये माना जाता है एज ए अकाउंटिंग टर्म में कि अगर ये बिजनेस ए एन लिमिटेड जो स्नेहा ने जो बिजनेस किया है और इसका नाम जो ए एन बी लिमिटेड है, तो बाहर से पैसा लेने की बजाय जो ऑनर है उससे ही पैसा ले लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एजम्पशन ये मान के चलता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो ऑनर है ये दोनों अलग हैं, सेपरेट हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद एक और जो रूल्स होते हैं, मतलब ये कि मोनेटरी कॉन्सेप्ट। अब मोनेटरी कॉन्सेप्ट में क्या आता है गाइस, कि इसमें केवल वही चीज़ों को लेते हैं जो मोनेटरी यानी मनी के टर्म में काउंट हो सके। जैसे अगर मान के चलो कि ए एंड बी लिमिटेड को
ओपन किया, किसने? स्नेहा ने और निशा ने, ठीक है। अब गाइस देखिए, स्नेहा और निशा दोनों पार्टनर हैं सपोज, और स्नेहा ने कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए, ठीक है, और जो निशा है वो 1 लाख रुपए लगाई है, ठीक। पर जो निशा है वो कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, यानी जो निशा है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है। तो क्या हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या हम रिकॉर्ड क्या चीज़ करेंगे? तो हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि वो कंपनी में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, नहीं, हम ये ज़रूर करेंगे कि जो इनका कैपिटल है वो 2:1 के रेशो में है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो एजम्पशन है, यानी कि जो मान्यताएं हैं, यानी कि जो एक सोच है, यानी कि जो एक डेवलप हुआ है, जो जैसे हम अकाउंट को करते आ रहे हैं कई सालों तक, तो एक जो निष्कर्ष जो निकलता है उसको हम एजम्पशन बोलते हैं। क्योंकि मैं दोबारा से कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका कोई मतलब कि मानव निर्मित यानी कि मैनमेड रूल है, यानी कि कोई लैब में जाके टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से ये है कि निशा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है पर बुक्स में मेंशन नहीं होगा, यानी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि सपोज आपके घर में जैसे दो भाई बहन हैं, निकिता एंड सिकिता। अब निकिता और सिकिता को, इन दोनों में से मम्मी किसको ज़्यादा प्यार करती है या पापा किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, कर सकते हैं, इसको हम मनी के टर्म में यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम उसको बोल ही नहीं सकते कि भाई निकिता को 10% करते हैं या जो निकिता है उसको 100% करते हैं। तो इसी तरीके से एजम्पशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए बनाया गया। उसके बाद होता है कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब पता ही आप लोगों को कि एक रूपता। अब बात कर लेते हैं, जैसे एक रूपता का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, या किसी भी, हम एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए जैसे मोटू एंड पतलू लिमिटेड। सो गाइस ये सिर्फ एग्जांपल है, ये तो मोटू एंड पतलू लिमिटेड है, और एक है जैसे कार्टून लिमिटेड सपोज। अब ये दोनों ना सिर्फ दोनों, इनफैक्ट बहुत जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करते हैं। किसमें? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल का मतलब वही होता है ना, जो यूनिफॉर्म रूल हो। तो इसका मतलब ये है कि एक रूपता के लिए जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट। जो मोटू एंड पतलू लिमिटेड यूज़ करेगा वही कार्टून लिमिटेड यूज़ करेगा, वही ए लिमिटेड यूज़ करेगा, वही स्नेहा लिमिटेड। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। सेम रूल फॉलो करेंगे, सेम, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेडिंग, मान के चलो कि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेडिंग में वो सारे खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री में किए जाते हैं। सपोज़ अगर फैक्ट्री की लाइटिंग है तो फैक्ट्री की लाइटिंग एक्सपेंस है और वो ट्रेडिंग में जाएगा। तो मोटू एंड पतलू लिमिटेड भी वो जो फैक्ट्री की जो लाइटिंग के लिए जो खर्चा हुआ है वो ट्रेडिंग में लेगा, कार्टून लिमिटेड भी लेगा, ए लिमिटेड भी लेगा और स्नेहा लिमिटेड भी लेगी। इसी तरीके से जैसे मान के चलो कि प्रॉफिट एंड लॉस में सपोज़ एडवर्टीजमेंट भी खर्चा है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मोटू एंड पतलू लिमिटेड भी लेगा और कार्टून लिमिटेड भी लेगा और ए लिमिटेड भी लेगा और स्नेहा लिमिटेड भी लेगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा।